सो गाइज़, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे चुन चुन के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। दीज आर सो प्रिटी यू गाइज। इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कुर्ता सेट, नारकली, पाकिस्तानी सूट्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइज आर डूइंग? आई रियली होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड गुड। इफ यू नो दिस चैनल, हाई, माई नेम इज सबा एंड आई एम अ डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर। आई क्रिएट कॉन्टेंट रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफ स्टाइल। इफ यू लाइक व्हाट यू सी सो फार, देन प्लीज बी माई वर्चुअल फैमिली बाई सब्सक्राइबिंग द रेड सब्सक्राइब बटन। एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे चुन चुन के प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज दीज आर रियली रियली प्रिटी वंस। सो इफ यू वांट नो एवरीथिंग अबाउट इट, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ऑलराइट एवरीवन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस खूबसूरत से पीस की। ना, ये वाला काफ़ी ट्रेंड में रहा है, ये वाला प्रोडक्ट, एंड फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन इट एंड दीज आर सो प्रिटी यू गाइज। सबसे अच्छी बात ना, इसमें ऐसे कोई सिप्पी विप्पी नहीं लगी हुई है, पर्ल्स लगे हुए हैं। एंड पर्ल्स किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो क्लिप में हो, यू नो, आपके फ्लैट्स में हो, आपकी हील्स में हो, या फिर आपके कपड़े में हो, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। सो दीज आर सो प्रिटी। मुझे काफ़ी अच्छा इसका काम लगा, काफ़ी एलिगेंट सा वर्क है एंड इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। ऑल दो ये स्मॉल मीडियम साइज़ में नहीं आता है, एक्स्ट्रा लार्ज से या लार्ज से शुरुआत होती है, तो मैंने एक्स्ट्रा लार्ज लिया है एंड ये मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ। सो दिस इज़ द वन फॉर यू गाइज। इसमें इस तरीके से की होल्डिंग डिटेलिंग नेक बनाया हुआ है, पूरे पे पर्ल्स और रेशम के धागों का काम किया हुआ है गाइज। यू कैन जस्ट सी द वर्क, काफ़ी ब्यूटीफुल सा काम है। नाउ इसकी स्लीव आप लोग देख लें, ए लाइन स्लीव दे रखी है एंड पूरे पे पर्ल्स और रेशम के धागों का काम है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लीव है। एंड इसका दामन भी बहुत प्यारा है, इस तरीके से ओवरऑल पूरे पे एम्ब्रॉयडरी और पर्ल्स डाले हुए। बैक साइड से भी आप लोग देख लीजिए, आपको जो स्लिट मिलती है ना, उस तरीके से पूरी एम्ब्रॉयडरी डाली हुई है, अंदर में लाइनिंग डाली हुई है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इसके साथ आपको मिल जाता है इसका ट्राउजर, प्लेन ट्राउजर है, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ, सेम कलर पैलेट में आपको इसका ट्राउजर मिल जाएगा। एंड ये थोड़ा सा वाइड है, ऐसे बिल्कुल टाइट वाला ट्राउजर नहीं है, विच इज अ ग्रेट थिंग। आई हेट दोज ट्राउजर्स, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, बट दिस इज रियली गुड वन। नाउ इसके साथ आपको मिल जाएगा ये इसका दुपट्टा। नाउ इसके दुपट्टे में जो खास बात है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो गाइस, जो फ्लावर्स बने हुए ना, उस फ्लावर को उसी कटिंग में काटी हुई है एंड ये पहनने के बाद इतना प्यारा सा ओवरऑल लुक आता है। मैं ट्राई ऑन डालूंगी तो आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट दीज आर सो प्रिटी यू गाइस। एकदम हल्का जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड पूरे पे ऐसे रेशम के धागों के फ्लावर्स बने हुए हैं एंड पूरे फ्लावर्स पे कटिंग्स डाली हुई है। ओवरऑल सच एन अमेजिंग अमेजिंग पीस। बाय द वे, ये वाला जो पीस है ना, मैंने ऑलमोस्ट 1100 रुपये इसके पे किए हैं एंड इसका जो मटेरियल सॉफ्ट जॉर्जेट मटेरियल है, इसको आपको कुर्ते में लाइनिंग मिल जाती है एंड दिस इज वर्थ बाइंग गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, काफी सूदिंग बेबी पिंक सा कलर है, अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप इसको ले लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, नाउ दिस इज अनारकली इन रियली ब्यूटीफुल कलर, मजेंटा पिंक कलर है गाइज एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखो, आगे में इस तरीके से ओवरऑल लुक दे रखा है, ये पूरी पैडिंग कर रखी है, बिल्कुल पैडेड है एंड इस तरीके से यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है। पीछे से बंधन है, बिल्कुल प्लेन अनारकली है, काफी ज्यादा घेर भी है इसमें, जो इसमें डिटेलिंग है वो आप लोग चेक कर लो। फुल स्लीव दे रखी है एंड स्लीव पे ना इस तरीके का पूरा जरी का काम है और सिप्पी का काम है। इसका घेर बहुत अच्छा है, इसका ट्राई ऑन डालूंगी तो आप लोग देख लेना, अंदर में लाइनिंग डाली हुई है, ठीक है। इसके साथ आपको मिल जाता है सेम कलर में इसका ये ट्राउजर, बिल्कुल बेसिक सा ट्राउजर है, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ। नाउ जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो इसका ये दुपट्टा है गाइज, लुक एट द दुपट्टा। नाउ ब्यूटिफुल सा पूरा जरी का काम और इसमें पूरा सिप्पी का काम डाला हुआ है। आई लव दिस लेस, मुझे ये वाली लेस काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो ये वाली लेस भी इसमें डाली हुई है, बहुत अच्छा लेंथ भी है, पूरा फुल लेंथ दुपट्टा है, पूरे दुपट्टे पे जरी का काम है एंड ओवरऑल पहनने के बाद ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। एंड बाय द वे, इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है और इसका प्राइस मैंने 1300 रुपीज ऑलमोस्ट पे किया है। सबका स्क्रीनशॉट, ट्राई ऑन, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सो आप लोग चेकआउट कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू माई फेवरेट वन, विच इज दिस वन यू गाइस, बहुत ही प्यारे से ब्लैक कलर में है। नाउ इसमें आप देख सकते हो फेक मिरर है, वी नेक है, बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ दामन में ये वाला लेस लगाया गया है। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द स्लीव, इस तरीके की बिल्कुल कटिंग्स कर रखी है स्लीव पे, पूरा रेशम के धागों की एम्ब्रॉयडरी है एंड इस पे फेक मिरर डाले हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है एंड ये बहुत ही प्यारा सा पीस लगा मुझे। सो दिस इज द टॉप वन, इसका आपको इस तरीके से दामन दिया हुआ है, तो ये रहा इसका कुर्ता। नाउ इसका बॉटम जो है वो आपको प्लेन ट्राउजर है, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ।
इसका जो मटेरियल है गाइस वो विस्कोज रेयन है, एंड इसके लिए मैंने 550 रुपये पे किए। इसका भी ट्राई ऑन देख लो और मुझे जरूर बताना कि मुझ पे कैसा लग रहा है। ऑलराइट एवरीवन, बात कर लेते हैं इस खूबसूरत से पीस की। नाउ ये नायरा कट है गाइस, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इस तरीके का पूरा ना आपको प्रिंट दे रखा है, बहुत प्यारा सा फ्लोरल प्रिंटिंग कर रखी है, एंड द कलर इज पर्पल, बहुत ही प्यारा सा कलर है। एंड यहाँ पे सिर्फ सिप्पी का काम दे रखा है इस तरीके से। इसका स्लीव अगेन क्वार्टर स्लीव है, एंड नायरा कट में जिस तरीके से ऐसे यहाँ से बिल्कुल स्लिट दे रखा है ना दोनों साइड, तो उस तरीके से स्लिट दिया हुआ है। एंड आगे में ऐसे प्लीटिंग डाली हुई है, तो काफी फ्लोई फ्लोई लुक आ रहा है। ओवरऑल इसका जो प्रिंट है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसके साथ आपको ट्राउजर मिल जाता है, सो दिस इज द ट्राउजर इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ। इसका भी मैं ट्राई ऑन डालूंगी, तो देख लेना नीचे में इस तरीके की आपको लेसेस डाली हुई है। इसका जो मटेरियल है गाइस वो कॉटन है, तो गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कोई ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में पहनना चाहते हो तो बहुत एलिगेंट से लुक आएगा। एंड इसको इसके लिए मैंने पे किया है 530 रुपये, विच इज अगेन अ रियली ग्रेट डील, बिकॉज आपको कॉटन मटेरियल में इतना खूबसूरत सा पीस मिल जाता है। ट्राई ऑन दे रही हूँ, आप लोग वो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ या दिस वन। सो ये वाला मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था, ऑलमोस्ट मैंने इसके लिए 380 या 400 रुपये पे किए, ठीक है। तो दिस कम्स इन वाइट कलर, वाइट कलर में है। आगे में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, टासल्स दिए हुए हैं, क्वार्टर स्लीव दे रखी है, एंड ये पूरी आप देख रहे हो ना लाइनिंग लाइनिंग इस तरीके से इसका ओवरऑल लुक है। पहनने के बाद आप ट्राई ऑन देख लेना, तो पहनने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। काफ़ी सस्ता मिल गया था, सो दैट इज़ अ रीज़न आई गॉट इट। एंड इसका आप ट्राउजर देख लो, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ आता है। सेम जो स्ट्राइप्स उसमें डाली हुई है वो सेम स्ट्राइप्स इसमें भी डाली हुई है। इसमें ना दोनों साइड पॉकेट भी दिया हुआ है, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग। एंड नीचे में इस तरीके से लेसेस डाली हुई है। इसका दुपट्टा भी सेम जो आपको स्ट्राइप्स दिख रही है ओवरऑल पूरे इस पे कुर्ता पे और ट्राउजर पे सेम दुपट्टा पे भी डाला हुआ है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सबसे अच्छी बात, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारे से पिंक कलर में ये व्हाइट कलर का कुर्ता डाला हुआ है, तो काफी ज्यादा खूबसूरत लुक दे रहा है। एंड बाय द वे गाइस, सबसे अच्छी बात ये ना कि मैंने ऑलमोस्ट 370 रुपये में लिया है, एंड इसका जो मटेरियल वो बहुत अच्छा है, कॉटन मटेरियल में इन्होंने दिया है। तो आप ऐसे डेली वेयर के लिए लेना चाहते हो, या फिर कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, कोचिंग्स जाती हैं लड़कियां, तो ये वाला आप प्रोडक्ट ले सकते हो। काफ़ी सस्ता भी है, काफ़ी एलिगेंट भी लुक दे रहा है। ट्राई ऑन डालूंगी, देख लेना एंड मुझे ज़रूर बताना कि मुझ पर कैसा लग रहा है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट वन यू गाइज, मैंने कुर्ती मंगाई है, ठीक है। मेरे पास एक ऐसे शरारा टाइप था, तो मैंने सोचा कि ठीक है कुर्ती ले लेती हूँ। नाउ ये वाली कुर्ती ना लिबास, अगर आप ब्रांड जानते हो मिंत्रा पे, तो इस टाइप की कुर्तीज वो बनाते हैं, एंड दिस इज द एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ दैट। तो वो वाली कुर्ती काफ़ी महंगी मिलती है, 1000 रुपये की मिलती है, एंड मीशो पे भी मुझे दिख गया ऑलमोस्ट 400 रुपये के अंदर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत ही प्रिटी से मरून कलर में है, एंड पूरे पे ना इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, डिटेलिंग दे रखी है। एंड आप देख सकते हो मैंने जो साइज मंगाया ना वो मीडियम है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। एंड इस पे आप देख सकते हो क्वार्टर स्लीव दे रखा है, अंदर में लाइनिंग दे रखा है। तो ये आपको सिर्फ कुर्ती मिलती है 400 के अंदर, एंड काफ़ी खूबसूरत सा पीस है, मुझे अच्छा लगा। एंड क्योंकि मेरे पास ऐसा प्लाजो था, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये वाला ले लेती हूँ, एंड दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बाय द वे, इसका जो मटेरियल है वो सिल्क ब्लेंड है। इसके साथ आप किसी के भी साथ ना मिक्स एंड मैच कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके का कोई भी बॉटम मिल जाए, दुपट्टा मिल जाए, तो ये वाली कुर्ती आराम से आप मिक्स मैच कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, ये वाला पीस भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द कुर्ता गाइस, बिल्कुल लखनवी पैटर्न फॉलो अप किया गया है, पूरी एम्ब्रॉयडरी डाली हुई है, बहुत प्यारा सा लुक दे रहा है। स्लीव भी आप लोग देख लें, स्लीव पे भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, एंड दामन में भी इस तरीके की पूरी ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। आई लव द कलर, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा। नाउ इसके साथ आपको मिल जाता है वाइट कलर का ट्राउजर, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ ट्राउजर आता है, और नीचे में इस तरीके की डिटेलिंग दे रखी है। उसके बाद आपको इसका दुपट्टा मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है गाइस। तरीके का पूरा ओवरऑल लेस लगाया गया है, और बीच बीच में ना छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हुए हैं धागों से, विच इज अगेन अ रियली ग्रेट थिंग। एंड ये जो दुपट्टा है ना वो शिफॉन मटेरियल का है, काफी प्यारा सा दुपट्टा इन्होंने दिया है, रियली लव द दुपट्टा। एंड बाय द वे, कुर्ता और बॉटम का जो मटेरियल है वो कॉटन है, एंड इसको मैंने लिया है 650 रुपये में, विच इज अगेन अ ग्रेट डील, बिकॉज आपको पूरा कंप्लीट सेट मिल जाता है, ब्यूटीफुल से एम्ब्रॉयडरी कर रखी है पूरे ओवरऑल कुर्ता पे भी एंड दुपट्टा पे भी। तो वर्थ बाइंग है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको भी ले सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, ये रहा आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इनमें से कुछ भी लेना होगा ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट ऑल द लिंक्स। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल लीव माई इंस्टाग्राम हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो इट देयर एज वेल। एंड अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।